उत्तर भारत में आज छठ पूजा मनाई जा रही है और COP26 क्लाइमेट समिट इसी वक्त ग्लासगो में भी चल रही है। मैं चाहूंगा कि आप इन दो तस्वीरों को विजुअलाइज करें और इन दो तस्वीरों में आपको क्या फर्क महसूस होता है, इन दो तस्वीरों के जो मैसेज, जो संवाद है इन दो तस्वीरों से जो आपको प्रतीत होता है, आप उस डिफरेंस, उस फर्क को महसूस करें और फिर आप देखें कि दुनिया को किस दिशा में ले जाना चाहिए जब क्लाइमेट चेंज और इस एनवायरमेंटल कॉन्शियसनेस की बातें होती है। तो COP26 में बड़ी बड़ी बातें हो रही है, जिंगोइज्म हो रही है, टारगेट सेट किए जा रहे हैं, ऐसे ऐसे टारगेट्स जो कभी मीट होने वाले नहीं है। वहीं दूसरी तरफ हजारों सालों से बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तर भारत में ये छठ पूजा का ये पर्व मनाया जा रहा है, जहाँ पे एकमात्र ये ऐसा एक त्यौहार है जहाँ पे उगते हुए सूरज की भी उपासना होती है और जो अस्ताचलगामी, जो जो डूबता सूरज है उसकी भी पूजा होती है। तो ये हजारों सालों से हो रहा है और बिहार की कल्चरल आइडेंटिटी है, ये सांस्कृतिक धरोहर है और सभी कम्युनिटीज इसे मनाती है। जो भी बिहार में है, आपका कोई मित्र, अगर आपके फ्रेंड सर्कल में कोई बिहार से है तो वो आपको बताएंगे कि कैसे इट्स नॉट जस्ट ए फेस्टिवल, इट्स एन इमोशन। 10-15 मिनट आप केवल छठ के गीत को सुनते हैं तो आप उस इमोशन से अपने आप को कनेक्टेड फील करते हैं। और अगले वर्ष मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप अपने किसी बिहारी या उत्तर प्रदेश के आपके कोई मित्र हैं, आप उनके परिवार के साथ छठ पूजा मनाएं, 2 दिन उनके साथ बिताएं और आप देखें कि कैसे फास्टिंग कर रहे हैं बूढ़े बूढ़े लोग, लेकिन उन्हें वो कमज़ोर नहीं हो रहे हैं, वो ताकत उन्हें मिल रही है। मैंने आज तक कभी नहीं देखा कि कोई बीमार पड़ा हो इस छठ पूजा के बाद, क्योंकि ये हर बार मोस्टली ये नवंबर अक्टूबर एंड उस समय ये आता है और बहुत ठंड होती है उस वक्त उत्तर भारत में खासकर, लेकिन उस ठंड में भी ये पानी में जाते हैं और कोई बीमार नहीं पड़ता, बहुत ताकत मिलती है उन्हें। तो ये एक असीम, केवल एक श्रद्धा का एक पर्व नहीं है, इट मीन्स मच मोर। जैसा मैं कह रहा हूँ, और कोई शब्द नहीं है मेरे पास, इट्स एन इमोशन। तो खैर, दूसरी ओर COP26 क्लाइमेट समिट हो रही है ग्लासगो में, वहाँ भी बड़ी बड़ी बातें की जा रही है और आखिरकार भारत ने दबाव में आकर अपना नेट जीरो का डेडलाइन बता ही दिया कि 2070 ये हमारा डेडलाइन है, अच्छी बात है। लेकिन 2009 में जो क्लाइमेट फाइनेंस की बात हुई थी, जो $100 बिलियन डेवलपिंग कंट्रीज को देने की बात हुई थी, उसका कुछ हुआ नहीं, क्योंकि वो आज के हिसाब से, डिवेल्यूशन के हिसाब से $1 ट्रिलियन से भी ज़्यादा होगा। तो इस तरह के टारगेट्स कितने फॉलो किए जाते हैं? निश्चित तौर पर इस तरह के टारगेट्स फॉलो नहीं किए जाते हैं और ये जिंगोइज्म होती है। ब्रिटेन की क्वीन एलिजाबेथ ने भी कुछ दिन पहले ये बात कही थी कि इस तरह के सेमिनार्स में बड़ी बड़ी बातें होती है। क्यों मैं कह रहा हूँ कि केवल बड़ी बड़ी बातें होती है, उसका एक उदाहरण मैं आपको दे देता हूँ। हम सभी अब इस बात को जानते हैं कि वेज वर्सेज नॉन वेज, तो ये डिबेट एक नेवर एंडिंग डिबेट है, लेकिन इसका नुकसान, खासकर रेड मीट कंजम्पशन का जो नुकसान है वो एनवायरमेंट पे कितना होता है। और 20,490, ये जो यूनाइटेड नेशंस फाओ की डेटा है, इतना लीटर्स ऑफ पानी 1 किलोग्राम मीट बनाने के लिए यूज़ होता है। और ये पानी कहाँ से आता है, ये हमें इसकी परवाह नहीं है, पानी आता होगा कहीं से। हम तो उस दिन सबमिट करेंगे, सेमिनार करेंगे जिस दिन पानी खत्म हो जाएगा, जैसे कुछ कुछ जगह पे पानी खत्म हो रहा है, तो हम उस दिन का इंतजार कर रहे हैं। प्रोसेस में हमारा मतलब नहीं है, ये बोरिंग है। ये भारत में क्या लोग कर रहे हैं, सब छठ पूजा मना रहे हैं, कोई पेड़ को पूज रहा है, कोई सूरज को पूज रहा है, कोई पहाड़ को पूज रहा है, ये बिल्कुल पागल लोग हैं। ये इकोसिस्टम प्रोसेस में हमें कोई दिलचस्पी नहीं है, हमारा इंटरेस्ट है वो बड़े बड़े समिट्स जहाँ पे हम मार्केटिंग कर सके, ब्रांडिंग कर सके, बड़ी बड़ी बातें कह सके, टारगेट्स बना सके, नेट जीरो। तो वही चीज़ है, ये 24 ह्यूमन बींग्स को हम जितना खाना दे सकते हैं अनाज से, हम केवल एक इंसान को मीट में उसके इक्विवेलेंट खाना दे पाते हैं। और 63% हम जो ग्रीन हाउस एमिशंस हम बचा सकते हैं केवल अपने डाइटरी चेंज करके, लेकिन हम वो नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल है हमारे लिए। क्यों? क्योंकि ये जो हमारे रेड मीट इंडस्ट्री है वो इस लॉबी के साथ काम करती है कि इनको अवॉइड कर पाना बहुत मुश्किल है। पिछले साल मेरे कुछ मित्र बात कर रहे थे कि जब कोरोना वायरस नया ये उस वक्त शुरू हुआ था और लॉकडाउन लगा था, तो मेरे एक मित्र, हम सभी लोग डरे हुए थे और वो कह रहे थे कि यार अब तो कोई मीट कभी खाएगा नहीं, ये चमगादड़ से क्या क्या हो गया है ये। मैंने कहा था कि आप अभी रुको, 6 महीने रुको, आपको लगता है कि ये इंडस्ट्री इतनी कमज़ोर इंडस्ट्री है, ये अलग अलग तरीके से मार्केटिंग कैंपेन्स बनाएंगे और ये कभी ये ख़त्म नहीं होगी जब तक हम लोगों में ये कॉन्शियसनेस नहीं जाएगी, ये चलता रहेगा। और आप देख रहे हैं बहुत सारे एड्स आ रहे हैं जिसमें एक हस्बैंड वाइफ एक कपल को वो ले आते हैं, उसमें कुछ प्रेमपूर्ण वार्तालाप दिखा देते हैं। कहने का मतलब है कि वो मार्केटिंग कैंपेन्स, ब्रांडिंग, इन सब से
ये सेल करते हैं, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स, पूरी दुनिया को पता है कि कोल्ड ड्रिंक्स जहर है, लेकिन SCFS है उसमें, डायबिटिक बनाता है आपको, लेकिन फिर भी कोल्ड ड्रिंक्स बिकती है और बिल्कुल ही इसकी संख्या जो है, जो इसके बिजनेस वो बढ़ता चला जाता है। क्यों? क्योंकि दे आर नॉट सेलिंग कोल्ड ड्रिंक्स, दे आर सेलिंग हैप्पीनेस इन ए बॉटल। तो वही मार्केटिंग ब्रांडिंग का खेल है, और यही बड़ी बड़ी बात है जिंगोइज्म मार्केटिंग ब्रांडिंग COP26 में भी हो रही है, जिसकी आशंका थी पहले से भी। तो ये जो मैं कह रहा हूँ कि वेज वर्सेस नॉन वेज, केवल एक डाइटरी चेंज करके कितना बड़ा असर इन्वायरमेंट पे हो सकता है। 5 बिलियन हेक्टेयर ऑफ लैंड है, उसमें से 68% आप लाइव स्टॉक पे देंगे, आप उसको रेयर करने के लिए आपके इतने सारे एमिशंस होते हैं उस पर, उतना उसके उसको उसको पालन करने के लिए, लाइव स्टॉक को डेवलप करने के लिए, रेयर करने के लिए कितना आप उस पर खर्चा कर रहे हैं और कितना वो बच सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि रातों रात सभी चीज़ बदल जाए, सारे वर्ल्ड में सभी लोग वेगन हो जाए। मैं जस्ट बिकॉज मैं सिगरेट नहीं पीता हूँ तो मुझे ये कहने का हक नहीं है कि आप सभी लोग छोड़ दें रातों रात। मैं ये कह रहा हूँ कि हो सकता है तलब होगी, मुझे इस बात का पता नहीं है कि वो तलब क्या चीज़ होती है, क्योंकि मैंने कभी सिगरेट पिया नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूँ क्या आप उसे कम कर सकते हैं? इतना तो आप कर सकते हैं ना कि आप दिन में अगर आप 20 सिगरेट पीते हैं तो आप क्या आप कम पिया सकते हैं? आप 10 पिया सकते हैं? आप 3 दिन में 1 बार पी सकते हैं? आप मन को बताइए कि आज नहीं यार, कल पी लूंगा मैं सिगरेट। केवल कम और ज्यादा करने की बात मैं कह रहा हूं, उससे ही बहुत बड़ा असर होगा। क्यों कम और ज्यादा? क्योंकि जब हम इसका एक एक साइंटिफिक एंगल से हम देखते हैं तो हमारा इग्नोरेंस जाता है और हमें पता चलता है कि हम क्या कर रहे हैं। फिर हमें पता चलता है कि 1 सिगरेट जो मैं पी रहा हूं उससे 2 सिगरेट पी रहा हूं तो 10-11 मिनट मेरे जीवन के कम हो रहे हैं। तो ये जब मुझे ये पता चलता है कि उसका साइंस क्या है, कुछ फर्क तो पड़ता है। तो क्योंकि 30s 40s में US में आपको ये पता होगा कि एडवर्टाइजिंग कंपनीज ने सिगरेट की भी ब्रांडिंग की थी इस तरीके से, और ये बताने की कोशिश की थी कि ये हॉक्स है और सिगरेट पीने से कुछ नहीं होता, इट्स सेफ। आप ये गूगल में सब चीज़ अवेलेबल है, आप देख सकते हैं, डॉक्यूमेंट्रीज हैं इन सब चीज़ों पर। तो वही इस इंडस्ट्री के साथ भी हो रहा है, रेड मीट कैंसरस है, आज हम सभी लोग जानते हैं, सभी डॉक्टर्स आपको ये बताएंगे। नेटफ्लिक्स पे एक जो डॉक्यूमेंट्री है द गेम चेंजर्स, वो भी आप देख सकते हैं, सभी मिथ को डिबंक कर दिया है वो उस डॉक्यूमेंट्री ने। लेकिन फिर भी इसका कंजम्पशन किस तरह कम किया जाए, इस पर कभी चर्चा नहीं होती COP26 समिट में। और ये जो समिट हो रही है COP26, इसमें जो लंच ब्रेक होगा, यही महानुभाव लोग जो है डिग्नेटरीज, ये लंच में उनके बहुत डिलीशियस डिशेस होंगे रेड मीट के, और ये वही वही चीज़ें वो कंजम्पशन करेंगे। फिर बड़ी बड़ी बातें करेंगे क्लाइमेट चेंज की, ग्रीन हाउस एमिशंस की, इस बात से अनभिज्ञ होकर कि जो आप खा रहे हैं, जो आपके फूड जो आपके प्लेट में है उससे कितना एमिशन हो रहा है, उसको जो आपने खाया उससे 24 लोगों को आप अनाज दे सकते थे, कितना पानी आपका इसमें एक्स्ट्रा जाता है, कितना लैंड, मिलियंस ऑफ मिलियंस स्क्वायर किलोमीटर्स ऑफ लैंड केवल आपको लाइव स्टॉक के लिए रखना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें हैं जिसपे कभी डिस्कशंस नहीं होंगे वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे केवल नेट जीरो टारगेट डेडलाइंस, वैसे डेडलाइंस जो कभी फॉलो नहीं होने वाले, उस पर चर्चा करनी है। दूसरी बात, सोलर, जैसे मैंने छठ की बात की आज, जो सूरज की पूजा करें उत्तर भारत के लोग, सोलर इंटरनेशनल सोलर अलायंस एक बहुत अच्छी पहल हुई है। 2015 में इंडिया और फ्रांस ने मिलकर ये बनाई थी, और आज यूनाइटेड नेशन स्टेट्स भी, US भी आज इसका एक मेंबर कंट्री बन गया, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 2050 में IREA कह रहे, इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी जो है, कि 78 मिलियन टन्स ऑफ सोलर वेस्ट होने वाले हैं। जब आज की जो हमारी सोलर पैनल्स हैं, जब उसकी लाइफ साइकिल खत्म होगी, तो उसके बाद फिर इतने हमारे सोलर वेस्ट निकलेंगे, फिर 6 मिलियन टन सालाना हमारे वेस्ट होंगे। हमारी क्या प्लानिंग है उस पर? इन सब चीज़ों पे डिस्कशंस होनी चाहिए थी COP26 में, लेकिन ये सब बहुत छोटे छोटे इश्यूज हैं। डाइट चेंज, वेज वर्सेस नॉन वेज, रेड मीट, ये लाइव स्टॉक, ये सोलर पैनल रिसाइकलिंग, ये सब तो बहुत छोटी छोटी बातें हैं। ये सब क्यों डिस्कशंस होंगी वहाँ पे, बड़े बड़े लोग बैठे हैं COP26 में, वहाँ तो टारगेट सेट किए जाएंगे, कार्बन आपके नेट जीरो कार्बन एमिशंस कम करें, मिथेन, डिफॉरेस्टेशन के लिए रूल बनाने पड़ेंगे, वहाँ रूल बनाएंगे वो लोग, 2030 तक हम डिफॉरेस्टेशन रोक दें। हमारे यहाँ हजारों सालों से पेड़ को पूजते आए हैं लोग, आज आपको रूल बनाना पड़ रहा है। बिश्नोई समाज है एक हमारे यहाँ, वो उन लोगों ने अपनी जान दी है, जब ब्रिटिश सोल्जर्स, जब इंडियन फॉरेस्ट एक्ट बन रही थी, तो उस वक्त जब पेड़ काटने सोल्जर्स आते थे, ये लोग अपनी जान दे दिया करते थे। इतनी चेतना विकसित रही है, क्यों? क्योंकि जो जैसे सिगरेट कंपनीज होती है, तो सिगरेट तो तंबाकू तो उपज हो जाती है, लेकिन उसे रोल करने के लिए इन्हें अब कागज़ की ज़रूरत है, तो पेड़ काटने पड़ेंगे। तो इस तरह की जो सिगरेट की कंपनीज हैं और अलग अलग कंपनीज हैं, वो मास स्केल पे पेड़ कट करते हैं, तो बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ ट्रीज इन्हें ये कट करते हैं, तो उसके लिए इन्हें पेड़ काटने पड़ेंगे, और ये पेड़ को पूज रहे हैं ये बेवकूफ़ लोग।
तो ये लोग अपनी जान देते हैं। ऐसे ऐसे कई समाज हैं भारत में, जैसे ट्राइबल बेल्ट्स हैं, संथाल परगना के ट्राइबल बेल्ट्स हैं, सोसाइटीज़ हैं, छत्तीसगढ़ में हैं, नागालैंड, मिजोरम, नॉर्थ ईस्ट में, साउथ में, कई समाज हैं जिन लोगों ने जो वन महोत्सव मनाते हैं, जो जिन्होंने पूजा की है अलग अलग पेड़ की। आज भी कई पेड़ की पूजा होती है, कोई पीपल को पूज रहा है, कोई बरगद को पूज रहा है। सभी बेवकूफ़ लोग हैं, ये सब बेवकूफ़ी है, क्योंकि बड़ी बड़ी बात तो वो है जो वहाँ हो रही है समिट में। और यही हमें समझने की ज़रूरत है कि हम कहाँ चूक कर रहे हैं। हम एक इकोसिस्टम को लेकर अगर हम नहीं चलेंगे, नेचर को अपने साथ एक इकोसिस्टम में हम महसूस नहीं करेंगे, तब तक हम एक सेलेक्टिव, हम कितना भी टारगेट्स बना ले, ये कट कर दें, मिथेन कट कर दें, इन सब चीज़ों से कि ये केवल जी कोई सब कुछ नहीं होने वाला रियल एक्शनेबल ग्राउंड्स पे। जिन सब बातों पे वहाँ डिबेट होना चाहिए वहाँ होता नहीं। तो क्या सभी गलती पश्चिम के देशों की है? नहीं, हमारी क्या गलती है मैं वो बताता हूँ। अंधानुकरण, ब्लाइंड इमिटेशन, ये सबसे बड़ा कारण है। कुछ भी हम वेस्टर्न कोस्ट से जो रिबाउंड होकर आता है ट्रैश, हम जरूर ले लेते हैं उसे। प्लास्टिक्स पिछले 30-40 सालों में प्लास्टिक्स इस तरीके से धड़ल्ले से बढ़ा है हमारे यहाँ कि आज पिछले 2 साल पहले जो रिपोर्ट आई थी कि GDP से ज़्यादा हमारे प्लास्टिक के सोशल वेस्ट हो गए थे। तो 2.87 GDP है, तो 3.70 ट्रिलियन डॉलर की सोशल प्लास्टिक वेस्ट, प्लास्टिक एमिशन, पैकेजिंग, पॉल्यूशन उससे। तो ये केवल इसलिए होता है कि हम अपने यहाँ की हमारे जो 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 डेली लाइफ के जो पैटर्न्स हैं हम उसे बोरिंग समझते हैं। केला के पत्ता में आज भी भोज में गांव में आपको वही दिखेगा, पत्तल में ही आपको भोज पे आमंत्रित करेंगे लोग। या दक्षिण भारत में आप भी आज अगर आप इडली डोसा खाने जाते हैं तो स्टॉल में, छोटे छोटे स्टॉल की बात कर रहा हूँ, बड़े बड़े दुकान तो जो पैकेज करके आपको देंगे प्लास्टिक में, वो लोग आज भी आपको केले के पत्ते में ही देंगे आपको खाना। तो वो सब चीज़ हम भूल जाते हैं क्योंकि हमें बाहर से ट्रैश लेना बहुत अच्छा लगता है। और आज पश्चिम में ये बातें होती है कि पायरोलिसिस ऑयल, हम साइंस टेक्नोलॉजी यूज़ करके प्लास्टिक्स को फीड करके हम फ्यूल बना लेते हैं। वाह, बहुत अच्छी बात है। तो इस पे फिर बहुत अच्छी बात है कि प्लास्टिक को हमने कन्वर्ट कर लिया फ्यूल में। मैं ये कह रहा हूँ कि ये तो बेवकूफ़ी वाली बात होगी। जब भी आप प्लांट्स लगाएंगे इस तरह के कि पायरोलिसिस ऑयल हम बना रहे हैं, तो जब आप प्लांट्स लगाएंगे तो आपकी डिमांड बढ़ेगी। जब आपकी डिमांड बढ़ती है तो आपको लगता है कि प्रोडक्ट कभी बंद होने वाला है। और फिर उस ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है कि हम लॉन्ग कार्बन चेन्स को ब्रेक कर सकते हैं हाई टेम्परेचर से, हमने इतना अचीव कर लिया है टेक्नोलॉजी में। लेकिन ये जब हम मॉलिकुलर वेस्ट को हम जब उस हाई टेम्परेचर से हम ब्रेक करते हैं तो हमारा एनर्जी भी जाता है, वो ऑफसेट कर देता है सारा CO2 सेविंग जो आप प्लास्टिक को कन्वर्ट कर रहे हैं पायरोलिसिस ऑयल में। तो इन सब चीज़ों पर हमें समझना है तो फ्यूल ही जो निकलने वाला है। सो दिस इज वाई मैं कह रहा हूँ कि ये जो चीज़ जो हमारी सबसे बड़ी गलती है भारत में वो यही है कि हम छठ पूजा मनाते, बिहार के लोग पागल हैं, बेवकूफ़ हैं। बिहार के लोगों का बहुत मजाक उड़ाया जाता है छठ पूजा को लेकर। और मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ कि आप कोई भी एक बिहार की फैमिलीज के साथ छठ पूजा मनाइए, अगले साल मनाइए, 3 दिन उनके साथ रहिए, आपको एक अलग ही एक्सपीरियंस फील होगा जो आप उसे कभी नहीं भूल पाएंगे जिंदगी में। लेकिन हम समझते हैं हम ये बिहार उत्तर प्रदेश के लोग बेवकूफ़ हैं, पागल हैं, और ये क्या कर रहे हैं। कूल वोक तो वो है जो हम बाहर से सीख रहे हैं। तो जो प्लास्टिक्स हो गया, जो रेड मीट है, जो जिस तरह की ब्रांडिंग होती है वो हम ले रहे हैं, जो फिर हम वॉक कर सकते हैं 1 किलोमीटर वो हम नहीं करेंगे। हमें एक आलिशान, एक लेविश कार चाहिए, बाइक चाहिए, वोक बाइक, जो नए नए बाइक्स हैं। मैं तो दंग रह गया कि हाल हाल तक 40-50-60 हज़ार में बाइक्स मिल जाती थी, अब 1.5 लाख-2 लाख में आप बाइक्स मिलती है। तो वो सब हमें ड्राइव करना है, लोगों को दिखाना है, उसके साउंड है जूम जूम करके वो हमें दिखाना है। हम वॉक करेंगे तो हम भी स्वस्थ रहेंगे, हम फिट रहेंगे, लेकिन वो हमें नहीं करना। लेकिन हमें कार से, और क्योंकि कार आप निकालेंगे पार्किंग से, फिर 1 किलोमीटर आप डांस करेंगे, फिर म्यूज़िक बजाएंगे, जब म्यूज़िक बजती है वो बैक करती है कार, सभी ट्रैफिक को आप हॉल्ट कर देंगे, बैक करेंगे आप 1 घंटा, उसके फिर आप ले जाएंगे, रोड को ब्लॉक करेंगे, वो सब ड्रामा के बाद आप 10 मिनट में जो आप आ सकते थे चल के आ सकते थे, एमिशन भी आप कट करते, आप अपने लिए भी आपकी स्वास्थ्य उससे ठीक रहती, लेकिन आप नहीं करेंगे, आप यूज़ करेंगे व्हीकल्स। ये सब अननेसेसरी दिखावा केवल मार्केटिंग के कारण हो रहा है, क्योंकि ये सब प्रोडक्ट्स आपको एडवर्टाइजिंग में एक कॉन्सेप्ट होता है जो जो MBA में सभी लोग पढ़ते हैं, टॉप ऑफ मार्केटिंग अवेयरनेस, वो सब बॉम्बार्ड किया जाता है दिन रात, और आपको लगता है कि ये करना चाहिए। हमारे जो बिहेवियर है, यूज़र बिहेवियर, वो उसी को फिर फॉलो करते हैं, फॉलो करती है उस चीज़ को जो जो मार्केटिंग कैंपेन्स हमें दिखाए जा रहे हैं। तो ये चीज़ हमें समझनी पड़ेगी
क्या जरूरत है, आप ड्रायर यूज करने की आपको क्या जरूरत है? भारत में ड्रायर प्रोडक्ट्स वहां यूज कर रहे हैं लोग जहां पे सनलाइट नहीं है, 6 महीनों महीने वहां पे सनलाइट नहीं आती। ऐसे ऐसे देश हैं दुनिया में, भारत में 300 दिन आपको सनलाइट मिलती है। आप ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच में फॉल करते हैं, आईएसए की ऑब्जर्वर स्टेटस है आपके पास, और आपके यहाँ ड्रायर्स लोग खरीद रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये मार्केटिंग, ये प्रोडक्ट ग्लोबलाइजेशन में ये प्रोडक्ट बहुत बिक रहा है, और वो एक अच्छा कंज्यूमर मार्केट इंडिया को समझ रहे हैं। इतने बिलियन लोग हैं तो वो बेचने की कोशिश कर रहे हैं, और आप बेवकूफ़ हैं, आप खरीद रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक हीटर जहाँ जरूरत नहीं है वहाँ नहीं करने की जरूरत है, बिजली की जहाँ जरूरत नहीं है अनावश्यक तरीके से वहाँ पे, चेन्नई जैसे देश में, चेन्नई जैसे प्रांत में, जहाँ पे आप देखेंगे कि वहाँ पे आपको ग्लास हाउसेस बिल्डिंग बन रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो आपको बड़ी बड़ी आईटी कंपनीज हैं, वो जो बड़ी बड़ी आईटी कंपनीज यूएस में, वहाँ पे उनके हेडक्वार्टर्स हैं, वही उनको रेप्लिकेट करना है मॉडल, और ग्लास बिल्डिंग्स बनाना है जिससे हीट ट्रैप हो, और फिर आपको एसी चलाना पड़ेगा क्योंकि गर्मी बहुत है, एसी के बिना आप नहीं रह सकते, फिर ये चलता रहेगा ये खेल। तो हम जो ब्लाइंड इमिटेशन जो कर रहे हैं, जो प्रोडक्ट खरीदने में, जो हमारे यूजर बिहेवियर में, डेली लाइफ में, उससे हमें बचना चाहिए। ये हमारी गलती है, और उनकी गलती क्या है पश्चिम में? जिंगोइज्म कम, एक इकोसिस्टम बनाइए डेली लाइफ में, जिस चीज़ों के लिए डेवलपिंग कंट्रीज को आप मजाक उड़ाते रहे हैं उनसे सीखिए। मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर भारत के जितने फेस्टिवल्स हैं, लोहरी है यहाँ पे जो बिहू है, अलग अलग सभी फेस्टिवल्स नेचर के साथ एक हमें जोड़ता है हमें। ये सभी फेस्टिवल्स अगर वर्ल्ड में मनाने लगे लोग तो आधा से ज़्यादा जो प्रॉब्लम है वहाँ पे वो खत्म हो जाएगा। लेकिन खैर ये सब बोलने वाली बातें हैं, और बड़ी बड़ी बातें वहाँ पे जिंगोइज्म चल रही है, और लेट्स सी क्या क्या होता है। ये तो चलता रहेगा, ये ऐसे ही समिट्स आफ्टर समिट्स हर साल चलते रहेंगे, और कुछ भी कंक्रीट इससे होगा नहीं। क्यों? क्योंकि क्लाइमेट फाइनेंस की जो बात हुई थी वो आज तक नहीं हुई है, और जो टारगेट्स 2015 में भी पेरिस में भी जो कही गई थी बात, वो कोई कंट्री उसे अचीव करता नहीं दिख रहा है भारत के अलावा। भारत ने तो बढ़ा दिया 450 गीगावाट से 500 गीगावाट की बात अभी कही है भारत ने, तो लेट्स सी व्हाट कम्स आउट। लेकिन मैं आज फिर आपसे आग्रह करूंगा कि आप इन दो तस्वीरों को विजुअलाइज कीजिए, और आपको आंसर मिल जाएगा क्या करना है क्या नहीं करना है। ये कोई कहता है किसी को तो बहुत एक छोटी बात लगती है, कोई कौन होता है किसी को ये ऑर्डर करने वाला कि ऐसे करना चाहिए वैसे करना चाहिए। आपके अंदर की इकोलॉजिकल कॉन्शियसनेस क्या कहती है आपको, जो आपको सही लगता है उस दिशा में आप अपनी डेली लाइफ को आप चेंज करें, और आप देखें कि उससे क्या असर होता है आपके लाइफ में, और ग्लोबल लेवल पे उसका क्या इफेक्ट होता है। ये दो तस्वीर है, आज छठ पूजा मना रहे हैं लोग और वर्शिप कर रहे हैं, सन इज द सोर्स ऑफ एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड, ऑल एनर्जी सन का सोर्स है वो। तो आप एक वो तस्वीर है, और एक दूसरी तस्वीर है जो COP26 में, जो आपको सही लगता है आप उस पर सोचिए थोड़ा, और उसके बाद अपने डेली लाइफ में आप क्या चेंज कर सकते हैं जिससे दुनिया बेहतर बन सके, वो आप करें।